नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो यह दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार उनकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, साथ में अलग अलग हाईकोर्ट द्वारा फैसला देने के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को हायर पेंशन का भुगतान जो है वो अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है। तो यह दोस्तों, इसी के संदर्भ में मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष दादाराव गोडे जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उनके संदर्भ में यह सारी जानकारी जो है वो लाने का प्रयास किया है। तो यह दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए तो बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो यह दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी आज तक क्यों नहीं हो पाई है, साथ में केरला हाईकोर्ट द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी तक हायर पेंशन का भुगतान क्यों नहीं किया गया, साथ में जो हायर पेंशन के एप्लीकेशन है तो उनके ऊपर ईपीएफओ द्वारा रोक क्यों लगाई गई है, तो इसके बारे में जो है वो पूरी जानकारी दी हुई है। तो यह दोस्तों, आज के इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त ना गवाते हुए ये जो डिटेल अपडेट निकल कर आया है तो इसको जानते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसके संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जय दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में पिछले 1 सितंबर 2014 को किया गया संशोधन पूर्णतः मानव अधिकार, मौलिक अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हनन है। यह संशोधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन केंद्र की मोदी सरकार को अंधेरे में रखकर करवाने में सफल रहा है। यह निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मानव अधिकार, मौलिक अधिकार और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का हनन है। इस तथ्य को मातोश्री जनसेवा सामाजिक बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष दादाराव जोड़े ने प्रधानमंत्री जी को पत्र भेजकर संज्ञान में लाने का प्रयास किया है। दादाराव जोड़े ने प्रधानमंत्री को बताया है कि इस महत्वपूर्ण तथ्य से ईपीएफओ और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आपके और भारत सरकार के ध्यान में इतनी बड़ी गड़बड़ी छुपाकर यह संशोधन करने में सफल रहा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में यह अनैतिक और अवैधानिक संशोधन पिछले 1 सितंबर 2014 से जीएसआर नंबर 609 22 अगस्त 2014 के अंतर्गत लागू हो गए, जिसे हजारों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त को हाईकोर्ट में चुनौती देनी पड़ी। तो जी दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम ने 2014 में ये जो संशोधन जीएसआर नंबर 609E 22 अगस्त 2014 के पश्चात लागू किया गया। तो इस संशोधन के बाद यहाँ पर क्या नुकसान हुए हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर इस पत्र में पूरे विस्तार से जानकारी दी गई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में किए गए संशोधन से मुख्य रूप से सेवानिवृत्त के निम्नलिखित मानव अधिकार और वैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है, जिसमें उच्चतम पेंशन के प्रावधान का विलोपन कर दिया गया, पेंशन के गणना में 12 महीनों की बजाय 7 महीनों के अंतिम वेतन का औसत कर दिया गया और कर्मचारियों के अंशदान की वैधानिक कटौती से बढ़कर 1.16% अधिक राशि की वसूली। इसके अलावा भी इसमें संशोधन के जरिए कर्मचारियों को व्यापक रूप से वंचित करने की कोशिश हुई है। यह संशोधन अत्यंत वयोवृद्ध सेवानिवृत्त को नुकसान पहुंचाने वाला और कर्मचारियों को हितों का दमन करने वाला है। यह सरकार का पहला ऐसा गैर कानूनी संशोधन है जिसे केंद्र में 26 मई 2014 को बनी भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार की आंखों में धूल झोंक कर ईपीएफओ द्वारा पारित करवाकर 1 सितंबर 2014 से लागू करवाया गया है। इसे बाद में सरकार द्वारा गठित संसदीय जांच कमेटी, केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुकी है। केरल हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जो है वो खारिज कर दिया है। केरल हाईकोर्ट ने 15,000 से अधिक लोगों द्वारा दायर 507 मुकदमों की एक साथ सुनवाई के पश्चात 12 अक्टूबर 2018 को इस अवैधानिक और अनैतिक संशोधन को खारिज कर दिया। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले को ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के पश्चात ईपीएफओ की अपील को खारिज कर दिया और केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रख
रखते हुए इस संशोधन को अवैधानिक, मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए 1 अप्रैल 2019 को आदेश जारी किया। तो जी दोस्तों, इन फैसलों के बाद जो है ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी के कई आश्वासन दिए गए, उसके बावजूद जो है वो आश्वासनों से निपट कर ईपीएफओ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दायर कर दिया गया। साथ में यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केरला हाईकोर्ट के एक फैसले के ऊपर जो है एक एसएमपी भी दायर की गई है। दादा साहब धूरे ने प्रधानमंत्री को बताया है कि भारत सरकार और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने पहले तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए सभी पेंशनरों की शिकायतों का निपटारा करने का आश्वासन दिया, लेकिन तुरंत बाद अपने वचनों से मुकरते हुए सुप्रीम कोर्ट के 1 अप्रैल 2019 के आदेश और केरला हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका और एक एसएमपी दायर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा केवल पेंशनरों के वैधानिक अधिकार से उन्हें वंचित रखने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार का यह निर्णय बहुत ही गलत है और देश के कर्मचारियों और पेंशनरों के पूर्णतः विरुद्ध है। तो यह दोस्तों, यहाँ पर संसदीय कमेटी ने भी इस संशोधन को जो है वो यहाँ पर अवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया था। दादा साहब जोड़े ने प्रधानमंत्री का ध्यान भारत सरकार द्वारा 6वीं लोकसभा के सदस्य श्री दिलीप कुमार मनसुख लाल गांधी के सभापतित्व में 2015-16 में उपरोक्त संशोधन की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने भी संशोधन को अत्यंत अवैधानिक, मनमाना और असंवैधानिक और नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध करार दिया था। तो यह दोस्तों, इस समिति ने जो वो एनपीएस का हवाला भी इस रिपोर्ट में जो वो दिया था। कमेटी ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि यह संशोधन 1 सितंबर 2014 से पहले और उसके बाद में सेवा से नियुक्त हुए किसी भी कर्मचारियों पर लागू करना योग्य नहीं है। अपनी इस अनुशंसा के समर्थन में कमेटी ने नई पेंशन स्कीम का भी हवाला दिया है, जिसमें इसी तर्क के आधार पर 31 दिसंबर 2003 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों पर एनपीएस लागू नहीं किए गए। कमेटी की यह रिपोर्ट 10 अगस्त 2016 को लोकसभा में पेश किया गया है। उसके बाद देश के सर्वोच्च अदालत और हाईकोर्ट के साथ संसदीय समिति की अवहेलना भी यहाँ पर की जा रही है। दादा साहब जोड़े ने प्रधानमंत्री जी के सद्भाव में उपरोक्त सभी तथ्य लाते हुए आश्चर्य व्यक्त किया है कि लोकसभा की इस जांच कमेटी की रिपोर्ट को न तो कोई तवज्जो दी है और न ही उसने केरला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आदेश का पालन करना जरूरी समझा। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ईपीएफओ ने संसदीय कमेटी सहित केरला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईपीएफओ के कहे में आकर सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों के हनन की दोषी बन गई है। उन्होंने कहा है कि यह अत्यंत निकृष्ट दृष्टांत है और सुशासन के प्रतिपेक्ष में बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जोड़े जी ने अपने पत्र में कहा है कि ईपीएफओ और सरकार के इस कृत्य से देश के लाखों वयोवृद्ध पेंशनर्स और वरिष्ठ नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकार से वंचित किया जाना घोर अमानवीय कृत्य है। लाखों वयोवृद्धों को अपनी उत्तरजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इन वंचितों को अपनी पेंशन राशि को न्याय संगत बनाने के लिए सड़कों पर आकर गुहार लगाने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सरकार द्वारा इन वंचितों के वैधानिक अधिकार का संरक्षण करने की बजाय उन्हें ईपीएफओ द्वारा छेड़ी गई अन्यायपूर्ण अदालती जेम का मूक दर्शक बने रहना पसंद कर रही है। उसके बाद दादा साहब जोड़े जी द्वारा उनके पत्र में माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अपील की है कि वे इस अन्याय को रोके और संसदीय कमेटी की रिपोर्ट की अनुशंसा केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर डाले और भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से अपनी अवैधानिक पुनर्विचार याचिका और एसएलपी वापस लेने का आदेश दे और वयोवृद्ध पेंशनरों को न्याय दिलाए। दादा साहब जोड़े ने अपने पत्र की प्रति केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिवों और सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को भी रखी है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर इस पत्र में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को अभी तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो इसके संदर्भ में जो पूरी जानकारी दी गई है। तो जी दोस्तों, ये जो सारी जानकारी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सदमत में लाने के लिए ये जो पत्र है वो लिखा गया है। तो जी दोस्तों, क्या इस पत्र की बात को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के ऊपर कोई फैसला लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, तो इसके बारे में जो दोस्तों हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में जो है वो अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और
उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।